आज बुलंदशहर का सफाई का निरीक्षण और विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें सभी लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव थे। और हमारा उद्देश्य यह है कि जितनी भी सुविधाएं लोकल बॉडीज़ के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचनी हैं, वो सभी सुविधाएं मिलें, इसी उद्देश्य से मैं आज यहां पर आया था। सफाई का निरीक्षण किया, संतोषजनक नहीं पाई, उसमें हमने लाइबिलिटी। नीति आयोग और राष्ट्रीय जल आयोग ने कहा है कि 2030 में अगर इसी प्रकार से जल दोहन होता रहा तो पानी के पीने का संकट हो जाएगा, और देश के 91 जलाशयों में केवल 20% पानी रह गया। आज तमिलनाडु की स्थिति ये पहुंच गई कि 1,00,000 लीटर पानी उनको बाहर से मंगाना पड़ रहा है, चेन्नई को। हमको इस संकट को देखते हुए जल की बर्बादी नहीं करना है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर कीमत पर करना है। जहां पर भी हमारे तालाब हैं उनको वर्षा का जल उसमें संचयन हो, ये हमारा प्राथमिकता होगी। प्लांटेशन भी हमारी प्राथमिकता में है, हम जरूर चाहेंगे कि बरसात के मौसम में। सर प्राइवेट करने जा रहे हैं आप सफाई व्यवस्था को, जो कर्मचारी है सफाई क्या करने जा रहे हैं? आप कोई नजूमी तो है नहीं, अभी हम क्या करने जा रहे हैं? मैंने तो कुछ कहा नहीं। मंत्री जी, ऐसा निरीक्षण के दौरान पाया गया ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम सारी संभावनाओं पर विचार करते हैं, हमेशा हमारे सामने जितनी संभावनाएं हैं सफाई को बेहतर करने की उस पर विचार करते हैं। लेकिन सफाई कर्मियों का इंटरेस्ट पहले देखेंगे देखा है, और हम ज़रूर चाहेंगे कि सफाई कर्मचारियों को जो अनुमन्य पारिश्रमिक है, जो उनका मजदूरी है, जो वेतन है, वो उनके खाते पर पहुंचे, ये भी हमारी कोशिश है। सफाई के साथ पाया गया कि कई सफाई कर्मी सफाई करते पाए गए, तो क्या माने बुलंदशहर नगर पालिका की लापरवाही रही? जब आपका जो कुछ मुझे कहना था मैंने बोल दिया, मीटिंग में भी मैंने बोल दिया।